अगर उसमें से किसी एक रस को भी आप कम कर देंगे तो आपका जीवन पूर्ण नहीं होगा। जीवन होगा तो, लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं, पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? क्या बात है। दुष्यंत कुमार ने दो लाइनें लिखी थी कि अपने रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। वो बहकती हुई दुनिया को अभिनेता संभाल पाएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि दुनिया, आप भी एक दुनिया है, तो अगर आप अपने आप को बहकने से संभाल लें। आशुतोष राणा जैसे हिम्मती और कितने एक्टर हैं मुझे बताइए, कौन बोलेगा ऐसे, कोई बोलेगा? मुझे लगता है कि इसमें बात हिम्मत की नहीं होती, इसमें बात कहीं ना कहीं दृष्टिकोण की होती है।